साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों नए टॉपिक पे आज अपन बात करेंगे, क्योंकि मैं सीरीज वाइज थोड़े थोड़े यूरोप कंट्रीज से रिलेटेड आपको सिर्फ एडवाइस के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, ताकि अगर आप यूरोप कंट्री की तरफ मूव होना चाहते हैं, चाहे आप विजिट में हो, चाहे आप बिजनेस पर्पज से जा रहे हो, चाहे आप विजिट वीजा से जा रहे हो, या फिर आप वर्क परमिट से जा रहे हो, क्योंकि वर्क परमिट भी यूरोप का होता है, बिजनेस से रिलेटेड भी होते हैं, विजिट वीजा तो सबसे ज्यादा होता है। तो मैं हर कंट्री का 3 वीडियो बनाऊंगा, फर्स्ट में विजिट, सेकंड में रहेगा वर्क परमिट, थर्ड में रहेगा बिजनेस वीजा। तो आज अपन बात करेंगे जापान से रिलेटेड विजिट वीजा के बारे में, ठीक है। जापान के कितने तरीके के वीजा होते हैं, क्या क्या बेनिफिट, किस तरह से आप जा सकते हो, क्या प्रोसेस होता है, जेन्युइन इंक्वायरी दूंगा, ताकि आप जाओ तो आपको कोई तकलीफ और आपको कितना खर्चा कैसे क्या लगता है पूरी इंक्वायरी घर बैठे आप मिल सके। तो इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज इसी तरीके के सही जानकारी, सही मोटिवेशनल वीडियो आपके साथ पहुंचते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों आज बात करेंगे जापान वीजा टाइप, यानी टाइप ऑफ जापान वीजा, वीजा कितने प्रकार के हैं। तो फर्स्ट में बात करेंगे विजिट वीजा, सेकंड में बात करेंगे वर्क परमिट वीजा, थर्ड में होता है बिजनेस वीजा। वीजा हालांकि और भी होते हैं, लेकिन वो अपने काम के नहीं होते, तो अपने 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो इसी से रिलेटेड बात करेंगे। आज के बारे में बात करेंगे विजिट वीजा से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, मुझे भी समझाने में आसानी हो जाए, क्योंकि टोटल वीडियो अपना थ्योरी से बनते हैं, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करके आप लोगों को समझाता हूँ, ताकि आपको अच्छी से बातें समझ में आ जाए। एक तो आदमी मुंह से समझाए, लिखित में समझाए, आपको पता ही है साथियों कितना फर्क पड़ता है इसमें। हालांकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, लिखना ये वो ज्यादा मेहनत होती है इसमें, लिखे ना उतने में तो 5-10 मिनट में वीडियो बोल के शूट कर देते हैं लोग। विजिट वीजा से रिलेटेड बात करेंगे। जापान करेंसी की मैं बता दूं साथियों, जापान करेंसी बहुत लो में है। ये बात करें कि अगर 1 इंडियन रुपीज है ना, तो वहां का 1.5 रुपए बन जाता है, ये समझ लीजिए। तो वहां की सैलरी भी लाखों में मिलती है, वहां पे आपको 2.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, तब जाके इंडिया का 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब सैलरी बनती है, इतना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। आज अपन बात करेंगे विजिट वीजा में अगर आप अप्लाई करते हो, तो स्टार्टिंग से लेके क्या प्रोसेस होता है, ताकि आपके पास पूरे वीजा सब क्या मिले, जापान पहुंच जाओ। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, उसमें 6 मंथ वैलिड होना चाहिए वो पासपोर्ट। जब भी आप जापान से रिलेटेड अगर वीजा अप्लाई कर रहे हैं, विजिट वीजा, तो आपके पासपोर्ट में 6 महीने की वैलिडिटी होना जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में बात करें पासपोर्ट की फोटोकॉपी, ये आपको आपके पास होना चाहिए जब आप अप्लाई करोगे एम्बेसी में, VFS में आप अप्लाई करोगे तो ये आपके पास, या आपके पास अगर ओल्ड पासपोर्ट भी है साथ में, तो ओल्ड पासपोर्ट आप साथ में लगाइए, ताकि उसको फाइल आपकी मजबूत बनती है, ठीक है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म VFS, ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है, इसका ऑनलाइन जो लिंक होता है वेबसाइट पे, वो भी मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, ताकि वहां पे आप लिंक को ओपन करते हैं तो एक फॉर्म निकल के आएगा, उसको आपको सबमिट करना होता है, उसका प्रिंट कॉपी आपको निकालना पड़ेगा, जैसे आप डॉक्यूमेंट और भी जमा कराओगे उनके साथ उसको भर के जमा कराना होता है, ठीक है साथियों। आगे अपन बात करेंगे एक पासपोर्ट व्हाइट बैकग्राउंड फोटो होनी चाहिए, 2x2 एकदम क्लियर व्हाइट फोटो होनी चाहिए 80% फेस के साथ में। थर्ड में आगे बात करेंगे होटल बुकिंग होनी जरूरी है साथियों। ये डॉक्यूमेंट तब लगते हैं जब आप वीजा अप्लाई करते हो, तो ये डॉक्यूमेंट सब आपको साथ में सबमिट करने होते हैं। होटल आप hotelbooking.com से आप ये फ्री में ले सकते हो, होटल बुकिंग आप करके उसका प्रिंट निकाल लो, सिंपल, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको साथ में अटैच आप कर सकते हो। अब इसमें आगे भी पॉइंट ये रहेगा, आपको वहां पूछा जा सकता है, फॉर्म में भरना पड़ेगा कि आप जापान क्यों जाना चाहते हैं, आप क्या काम करना चाहते हैं, तो आप बता सकते हो मैं घूमने जाना चाह रहा हूँ 15 दिन के लिए, वहां मैं जाऊंगा घूमने के लिए, नॉर्मल सा है, तो ये फॉर्मेलिटीज आपको करनी होती है। कंफर्म टिकट आपको साथियों, ये यहाँ पे माइनस पॉइंट है जापान का, आपको टिकट साथ में देनी पड़ेगी वीजा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। आप जैसे अप्लाई कर रहे हो ना, उसके साथ में आपको कंफर्म टिकट साथ में देनी पड़ेगी। अगर आपका वीजा बाय चांस रिजेक्ट हो गया, तो भाई आपके टिकट के पैसे गए, तो ये हालांकि लोग यहाँ पे कॉपी भी दे देते हैं डुप्लीकेट, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ओरिजिनल टिकट ही दे, हो सकता है वो चेक कर लें, समझ गए। टिकट आपको कंफर्म साथ में देनी पड़ेगी जिस दिन को जा रहे हो, जैसे आप 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक जापान रहना चाहते हैं, तो वो टिकट रिटर्न और ये दोनों टिकट आपको साथ में देनी पड़ेगी, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपको साथ में देना पड़ेगा, मिनिमम 6 मंथ आपका होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। उसमें कम से कम 1 लाख रुपए आपके बैंक स्टेटमेंट में शो करना चाहिए, हालांकि बाउंडेशन ये कि कितना पैसा होना चाहिए, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में हो तो आपकी फाइल मजबूत बन जाती है। आगे बात करें डॉक्यूमेंट में, इनकम टैक्स फाइल आपकी होना चाहिए,
एक साल तो कम से कम है, अगर 3 साल की है तो और भी अच्छी बात है। अगर आप जा रहे हो तो इनकम टैक्स तो आपके पास फाइल होती है, तो वो आपको सबमिट करनी पड़ती है, एनओसी देनी पड़ती है। आप एनओसी की बात करें साथियों, तो एनओसी क्या होती है? एनओसी या तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां की एक अथॉरिटी लेटर होता है, एनओसी नोट सर्टिफिकेट, नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जो साथ में आपको अटेस्ट करना होता है। घर वालों की बस की तरफ से भी एनओसी होती है, कवरिंग लेटर होता है। कवरिंग लेटर में आपको आपको कौन रिस्पॉन्सर कर रहा है, कौन आपको पैसे दे रहा है, फाइनेंस कौन कर रहा है, वो डिटेल इसमें आपके घर वाले कर रहे हैं, आपके भाई, आपके कोई भी एक्सपाइजेंट कर रहे हैं, उसके बारे में इसकी इंक्वायरी देनी होती है। ठीक है साथियों, आगे इसमें ये है प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट आपको वीजा अप्लाई करने के लिए 10-11 पॉइंटों आपको फॉलो अगर करोगे तो आपका वीजा आपको मिलेगा। अब बात करते हैं तो वीजा कितने टाइम का होता है, तो मैं बता दूं 3 मंथ वैलिडिटी का वीजा होता है। जैसे आज आपने वीजा लिया तो 3 महीने में कभी भी जा सकते हैं। आगे बात करें वीजा चार्जेस, वीजा चार्जेस भाई क्या है? कुछ नहीं है, 1200-1300 रुपए वीजा चार्जेस होते हैं। वो तो एजेंटों के लफड़े में आ जाते हैं तो इतना पैसा लग जाता है, बाकी वीजा चार्जेस मात्र 1200 इंडियन करेंसी है, कोई ज्यादा खर्चा इसमें नहीं है। टिकट की बात करें साथियों, टिकट महंगी पड़ती है जापानी भाई, 20-22 हजार रुपए टिकट का लग जाता है आराम से। वो भी मैंने ऑनलाइन सर्च करके फिर ये बताया मैंने, 18-22 हजार रुपए की टिकट आ जाती है आराम से। ठीक है, करेंसी मैंने बता दी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग जापानी सोचते हैं कि विजिट में जाके वहां सेटल होना, ये रिफ्यूजी होना, कई सारे रीजन हो जाते हैं, तो इस तरह से ये जापान वीजा से मैंने रिलेटेड वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे जापान वर्क परमिट वीजा से रिलेटेड। रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं डालूं जापान से रिलेटेड तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए सही जानकारी सही मोटिवेशन के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।